हरिओम दोस्तों, जोशी वीर भगत। आज से मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी जो सीमित थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैंने किताबें कुछ पढ़ी थी, जैसे श्री के एन राव और श्री बी वी रमन की बहुत पहले पढ़ी थी, उस टाइम पामिस्ट्री की भी बहुत पढ़ी थी। इसको करीब 30 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बेस पे मुझे ज़्यादा नॉलेज आई है। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, आप सीखना कभी बंद नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर चार्ट एक लर्निंग प्रोसेस है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, और साथ साथ मैं आपको थोड़े अपने टिप्स भी देता रहूँगा। क्योंकि देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज तो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेम ही है। मैं भी आपको वही बोलूँगा जो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स श्री के एन राव और श्री बी वी रमन ने जिस चीज़ का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, प्लस लोगों का फीडबैक। तो ये मेरा हिंदी का वीडियो है, इंग्लिश वीडियो मैं लगा चुका था, लेकिन उसमें सोचा तो ये था कि आगे हिंदी का भी कर देंगे, लेकिन मैंने कहा इस बार के लिए अलग कर देते हैं। तो देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये कर्म बेस्ड है, हिंदुइज्म जो है हमारा धर्म ये कर्म बेस्ड है, सारे धर्म कर्म बेस्ड ही हैं, लेकिन हिंदुइज्म का तो इसके ऊपर ग्रेट एम्फेसिस है। क्योंकि हिंदुइज्म का ये है कि हमने मोक्ष प्राप्त करनी है, और ये जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से हमें छुटकारा हमने किसी तरह पाना है। तो उसके लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई बार एक जन्म ही काफ़ी होता है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती वो ये है कि कर्म अच्छे करने हैं। और कर्म कैसे अच्छे करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। लोगों का भला करो, किसी का नुकसान ना करो, जाने में अनजाने में कई बार हो जाता है। गुरुदेव जो हैं उन्होंने 20 स्पिरिचुअल गाइडलाइंस का उल्लेख किया था, जिसके हिसाब से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और वही हमारे सारे जो हमारी सारी हिंदुइज्म की जो किताबें हैं, भगवद गीता जो उपदेश हैं, वो सब उसी में, वो उनके 20 स्पिरिचुअल गाइडलाइंस में जो है संक्षेप में बताया गया है। उन्होंने बहुत डीप स्टडी करी थी भगवद गीता की, इंटरनलाइज किया था और उसका ट्रांसलेशन भी किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है कर्म बेस्ड है, पिछले जन्म का इस जन्म का कर्म के हिसाब से ही आपका जीवन चलेगा, ये तय है। अगर आप कर्म बुरे करें आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हों, उसका आपको इस जन्म में भी खराब कर्म करने के बावजूद थोड़ा सा बेनिफिट मिले, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज करेंगे कि डिस्पाइट इसके बावजूद कि आपका चार्ट बहुत बढ़िया है, आप लाइफ में सफरिंग ही पाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि लाइफ फॉल्स इनटू अ डिच, मतलब जिंदगी खड्डे में गिर जाती है, जिस तरह हम लोग बिना सोचे समझे जीते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें चार डिविजन्स होते हैं, या चार इसमें डिविजन्स का मतलब कि चार इसके ब्रांचेस, या इसके अब ब्रांचेस का वर्ड मुझे हिंदी में नहीं आ रहा, तो चार ब्रांचेस होती हैं। पहला ब्रांच होता है, उसको कहते हैं वर्ग सिस्टम। तो वर्ग सिस्टम में क्या है कि देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की महानता यह है कि इसमें 1/60th चार्ट तक आप जा सकते हैं। जैसे लग्न चार्ट है उसका 1/9th जो है नवांसा चार्ट होता है, जिसमें शादी का पता लगता है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने हमें ये लग्जरी दी है कि हम 1/60th तक जा सकें, लेकिन
कई लोग, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं कि वो 160th चार्ट को वो पूरा 19th, 116th, 160th, 130th ये सारे चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन लग्न चार्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस लग्न चार्ट को होना है, लग्न चार्ट पे है, और लग्न चार्ट को ठीक करके ही, उसकी रेमेडीज करके, उसको ऑप्टिमम या उसको ऐसी पोजीशन में रेमेडीज के साथ, जेमोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज के साथ ऐसी पोजीशन पे लाना है कि आपका चार्ट या आपका जीवन एक अच्छे दर्जे में या एक अपने बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल से ऑपरेट करें, क्योंकि आपके चार्ट की एक सीमा है, उससे ऊपर अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको चार्ट से ऊपर जाना पड़ेगा, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होता है। तो वो सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं जो सन्यासी होते हैं हमारे, वो और वो भी सिद्धि वाले सन्यासी, बहुत रेयर लोग होते हैं। बाकी हम सब जो है अपने चार्ट के बेस्ट पोटेंशियल तक ही ऑपरेट कर पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें बहुत विल पावर चाहिए। तो दूसरा जो है वो है दशा सिस्टम, जिसको दशा सिस्टम कहते हैं। तो जब हम पैदा हुए हैं उस टाइम चंद्रमा की जो पोजीशन है उसके बेस पे दशा साइकिल डिसाइड हो जाता है, और वो पूरी लाइफ चेंज होता रहता है, उसमें महादशा और अंतरदशा पीरियड्स आते रहते हैं, और हर वो चार्ट के हिसाब से टाइम वेरी करता रहता है। ये सेकंड इसका डिवीजन है। थर्ड है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, या इसको गोचर भी कहते हैं। जैसे प्लैनेट्स जो हैं दूसरे प्लैनेट्स के थ्रू ट्रांजिट करते हैं, हाउसेस के थ्रू ट्रांजिट करते हैं, वो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ है प्रश्न कुंडली सिस्टम। प्रश्न कुंडली सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कई बार, जैसे मेरे को एक अभी क्वेश्चन ईमेल से आया था कि बताइए आप कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या फ्यूचर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें देखा जाता है कि क्वेश्चन किस टाइम में आया, तो उसके बेस पे प्रश्न कुंडली के हिसाब से बताया जा सकता है। तो ये चार इसके डिविजन्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आप किसी चार्ट का एनालिसिस करते हैं, जब किसी चार्ट का विश्लेषण करते हैं या करेंगे, तो इसमें पहले ये थ्योरेटिकल चीज़ें आप सीख लीजिए। ये आपको जो मैंने जो दो बुक रेकमेंड करी उसके अलावा भी बहुत अच्छी बुक्स हैं आजकल, नेट में भी बहुत मटेरियल है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा किसी अच्छी अच्छे ऑथर की बुक परचेस करके, हार्ड कॉपी परचेस करके उसको पढ़ें, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पढ़ें। बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये रेफरेंस के लिए आपके पास अवेलेबल है। अगर जैसे मैं भी अभी नोट से आपको रेफर करके ही बोल रहा हूँ, मेरे को कोई ये सब याद नहीं है। हाँ ये है, यूज़ कर करके थोड़ा सा हैंडी हो जाता है, और ज़्यादा मतलब यू नो इट बिकम्स काफ़ी हद तक ये हैंडी हो जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का एक ही एक पर्पज़ है कि आपने प्रिडिक्शंस ठीक करनी है। आप सब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स बना दीजिए, उसमें 160th टेबल तक का डिवीजन करके बना दीजिए, लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शंस ठीक नहीं है ना, अगर आपका रीडिंग ऐसा लग रहा है दूसरे को भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट बनाए हैं, रंग बिरंगे रिपोर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर प्रिडिक्शंस ही ठीक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो आप जो है वो एस्ट्रोलॉजी आप नहीं कर रहे। एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रिडिक्ट करना है, उसको बताना है, जो भी आपसे पूछ रहे हैं उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी है। बाकी तो सब कुछ उन्होंने करना है, रेमेडीज तो उन्होंने ही करना है, आपकी कोशिश जेन्युइन होनी चाहिए, बाकी उनकी किस्मत है ना। ये भी चार्ट में ही लिखा होता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी पता लग जाता है। कई लोगों का देख के पता लग जाता है कि ये नहीं करेंगे, कई लोगों का कई बार गलत लगता है कि जिनका लगता है नहीं करेंगे वो कर लेते हैं। तो बड़ी चीज़ें वेरी करती हैं इसमें। लोग रेमेडीज सीरियसली लेते हैं तो अपनी विल पावर, देखिए सब कुछ विल पावर पे है। विल पावर जो है, मैं अगले चैप्टर 2 में प्लैनेट्स पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो अभी इस बात को यहीं रोकते हैं और आगे जाते हैं। अब इसमें ऐसा है कि 12 राशियां होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और ये सेम है, ठीक है ना, ये बदलती नहीं है। ये आपने बहुत सुना होगा ज़ोडियक साइंस। एरीज जो है
फर्स्ट एंड दैट इज रूल्ड बाय मार्स. मार्स इसको रूल करता है. टॉरस रूल्ड बाय वीनस, जेमिनी बाय मर्क्यूरी, कैंसर बाय मून, लियो बाय सन, वर्गो बाय मर्क्यूरी, लिब्रा बाय वीनस, स्कॉर्पियो बाय मार्स, सेजिटेरियस बाय जुपिटर, कैप्रिकॉन बाय सैटर्न, एक्वेरियस बाय सैटर्न एंड पाइसिस रूल्ड बाय जुपिटर. इसका क्या, इसकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आगे जाके आपको पता लगेगा. ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक मैं आज कवर कर लूँ. इसमें जो है देखिए, राशिज़ जो हैं ये चार कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, और जनरल एस्ट्रोलॉजी के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए चार कैटेगरीज के हिसाब से ही काफ़ी हद तक नेचर फिक्स हो जाता है. लेकिन ये जोडियक साइन नहीं है, ये असेंडेंट साइन के हिसाब से है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. सो, ये भी आगे आपको समझ आएगा जब मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, जब ये सब करके फिर मैं आपको पूरा एक चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तो तब आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा. बाकी तो आपका एक्सपीरियंस है. तो पहला है एरीज ग्रुप जो है, चार ग्रुप में पहला है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये फायर साइंस है. दूसरा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये अर्थ साइन है. तीसरा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एयर साइंस है. और चौथा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये वाटर साइन है. ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में काफ़ी लोग जो हैं वाटर साइंस वाले होते हैं, वो क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होती है इनका, मतलब दे कैन फॉर्म अ इमोशनल कनेक्ट वेरी क्विकली, द इमोशनल वाइब्रेशंस दैट दे गेट. जैसे ये लोग किसी कमरे में जाते हैं, इनको वाइब्रेशन से ही पता लग जाता है कि घर में माहौल क्या है, ठीक है कि नहीं है. तो ये इनमें एक एबिलिटी होती है, जाहिर नहीं करते हैं लेकिन होती है इनमें एबिलिटी. तो आज तक का तो इतना ही मैंने आपको बताना था, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. देखिए, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जब प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री क्या करते हैं. तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं तो 1989-90 से ही इसी चक्कर में पूरी तरह पड़ गया था. तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में एज अ प्रोफेशन नहीं पढ़ा था, ये मेरी मुकद्दर में था. और जो मुझे तब से जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उन दिनों इंजीनियरिंग के अलावा मैंने क्या क्या किया है. तो यही सब करता रहता था मैं, और क्योंकि एक किसी ज्योतिषी ने कह दिया था भाई तू मरने वाला है रोड एक्सीडेंट में, ऐसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे, तो उसमें ही काफ़ी मैंने डीपली ले ली उस बात को. और फिर मैंने कहा चलो इसके अंदर घुस के देखते हैं क्या. उस बारे में मैंने ब्लॉग लिखे हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं. अब इसमें यह है, देखिए मैं जो हूं, अगर किसी का मैं चार्ट या अगर किसी के बारे में कोई मेरे को अप्रोच करता है, सबसे पहले तो फिजिकली अप्रोच करेगा तो मैं उसके वाइब्रेशंस पकड़ लेता हूं, मुझे पता लग जाता है वाइब्रेशंस क्या है. मतलब एक ब्रिज बन जाता है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस है वो मैं फील करने लगता हूँ. अगर वो उदास है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, और अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हो जाता हूँ. एकदम वाइब्रेशंस पता लग जाते हैं, और काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, मतलब काफ़ी हद तक पता लग जाता है. लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब स्पेसिफिक्स नहीं पता लगते. फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उसका चार्ट देखते हैं हम, मोस्टली तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चार्ट देखते हैं. उसमें स्पेसिफिक्स टाइम समय एकदम डेट मंथ ईयर के हिसाब से वो सब आपका बता देता है, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है. कुछ डाउट हो, कई लोगों का बड़े रेयर केसेस में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी चार्ट देख लेते हैं डबल कन्फर्म करने के लिए. पाम मैं देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि पाम जो है आपका प्रेजेंट स्टेटस बता देता है क्या है. एट बर्थ तो आपका लग्न चार्ट ने बता ही दिया, और आप उसका अपने लाइफ का क्या कर रहे हैं वो पाम बता देता है. अब वो सब जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली ये ऐसे बन गया है, ये प्रोसेस होती रहती है, और उसका फिर मैं कुछ ना कुछ हिसाब किताब प्रिडिक्शन के टाइप में हम्बली कुछ उसको
बता जितना बता सकता हूँ जो मुझे लगता है बता देता हूँ। कई बार ज़्यादा नहीं बोल पाता मैं, जैसे कई बार मेरे से पामिस्ट्री की कंसल्टेशन लोग लेते हैं, अब वो सोचते हैं कि बड़ी यू नो बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेगा ये वो, लेकिन मैं छोटी सी बात करके ख़त्म कर देता हूँ, उसमें उससे ज़्यादा बोलने का कुछ है ही नहीं। मतलब अब ये थोड़ा ना मैं बताऊँगा कि आप दिन में 3 बार खाना खाएंगे और ये सब, तो मतलब जितना जिस कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मेरे को लगता है मैं कम बोल रहा हूँ तो मुझे वाइब्रेशंस ठीक नहीं आ रहे उससे, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो ये थोड़ा सा इससे केयरफुल होके ही बात की जाए। ये भी होता है काफ़ी एरियाज में, काफ़ी केसेस में। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि देखिए इंटरनेट में सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल हैं, एट अ स्नैप ऑफ अ बटन आप 160th तक चार्ट निकाल सकते हैं, और यही नहीं लिखित रिपोर्ट भी निकल जाती है। तो मैं आपको प्लीज़ ये कहूँगा कि आप कैलकुलेशंस तक तो रखें लेकिन लिखित रिपोर्ट पे एकदम बिलीव ना करें। और एक बात और कि जब मैनुअली ये सब किया जाता था तो मैक्सिमम लग्न चार्ट नवांशा चार्ट किया जाता था, आजकल इन्फॉर्मेशन ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा दे देते हैं और इसमें लोग एंटेंगल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उसमें से आधी इन्फॉर्मेशन इट्स ऑफ नो यूज़। तो उसके अंदर मैंने इतने अच्छे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग मेरे से डिस्कस करने के लिए फ़ोन करते हैं, वो कितने उलझे हुए होते हैं, यू नो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वो अपने चार्ट को एक PhD प्रोजेक्ट बना देते हैं। और मैं उनको कहता हूँ देखो आपका इंटेंशन क्या है, अगर तो आपने किताब लिखनी है तब तो बात अलग है, अगर आपने प्रेडिक्शन करके उसको मदद करनी है अगले आदमी को तो फिर इतना मतलब थोड़ा सा आप खुद ही इसमें एंटेंगल हो गए तो फिर आप उसको क्या बताओगे, है ना। और इसलिए कई बार जो है आप देखते हैं कि मैं भी देखता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत, मतलब बहुत लोग आते हैं कि ये हो गया जी वो हो गया, तो देखिए उसमें क्या है एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है, वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। ये इसमें मैटर ही इतना है, देखिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ 160th तक जा सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है कब क्या लेना है उसमें लोग उलझ जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगली बार। हरिओम।